इसमें गुड मॉर्निंग गाइस, और अभी आज जो डे है आज है ट्यूसडे। पंखा चला रखा था थोड़े बाल बाल सुखाने के लिए। मैं गेट इसलिए बंद कर देता हूँ क्योंकि शोर आता है बाहर से, इस चक्कर में मुझे गेट बंद कर देना पड़ता है। तो आज ट्यूसडे और अभी बज रहे हैं सुबह के 11, और छोटा मोटा जो काम था वो निपटा चुका हूँ। डिज़ाइन कर रहा था मैं, तो वो डिज़ाइन भी निपट चुका है। अब निकल रहा हूँ मैं ऑफिस के लिए, और उससे पहले पेट पूजा कर लीजिए थोड़ी बहुत। फिलहाल चीले खा रहा हूँ मैं। आई डोंट नो, कल मुझे थोड़ा सा वीकनेस ही महसूस हो रही थी, सिर में दर्द हो रहा था, और आज भी थोड़ा बहुत सिर में दर्द हो रहा है मेरे, सोन में नहीं आ रहा मेरे को। एक तो जब बहुत ज़्यादा टेंशन होती है या फिर नींद पूरी नहीं हो पाती तो दर्द होता है। वैसे तो नींद पूरी हो चुकी है, लेकिन कुछ टेंशन वाली बातें भी हो जाती हैं, तो उसको सोचता मैं टेंशन वाली चीज़ें हुई नहीं, लेकिन जब बातें होती ना तो थोड़ा बहुत, मतलब उस समय जो सिर में दर्द शुरू हो जाता है मेरे, जब कोई बंदा सामने वाला टेंशन दे रहा होता है या टेंशन वाली बात कर रहा होता है, या सामने वाला मुझे नहीं समझ पा रहा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि, लेकिन उस चीज़ का फ़ायदा कुछ होता नहीं है। तो जब कुछ बातें हो जाती हैं तो मेरे को सर फटने लग जाता है, मेरा सर में दर्द होता है। तो फिलहाल मैं चीला खा रहा हूँ। देखो मम्मी ने बनाया, बहुत टेस्टी है। रोटी वोटी मैं छोड़ चुका हूँ, जिम ज्वाइन कर चुका हूँ, मंडे से जिम ज्वाइन करूँगा। मतलब मैंने क्या किया, अभी पैसे दे चुका हूँ, लेकिन हमारा एक ट्रिप बन चुका है न्यू ईयर का, वो मैं आपको उस ट्रिप के दौरान ही बताऊँगा जब मैं घर से निकलूँगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो न्यू ईयर का वो ट्रिप बन चुका है, तो उस वजह से मेरा जिम छूट जाएगा 2-3 दिन के लिए, तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया कि अभी नहीं जाऊँगा। एक बार रेगुलर हो जाऊँ, न्यू ईयर ख़त्म हो जाए फिर मैं जाऊँगा। मुकुंद गौतम से भी मैंने पूछा है कि कहीं चल लो तुम, अगर जहाँ मैं जा रहा हूँ वहीं चलो, लेकिन वहाँ का अभी प्रोग्राम बन नहीं पा रहा क्योंकि गौतम की कंपनी, गौतम के ऑफ डेज दूसरे डेट में है और मुकुंद के ऑफ डेज किसी दूसरी डेट में, तो इस वजह से थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बन नहीं पा रही। प्लानिंग कोशिश करी थी, हमने सोचा दोनों कंपनीज सेम छुट्टी देंगी, लेकिन नहीं दी। अब देखते हैं क्या प्लानिंग बनती है। और एक चीज़ और है, ओस्मो की बैटरी के साथ जो आई थी, ओस्मो के साथ जो बैटरी आई थी कंपनी की DJI की, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। और ये जो दूसरी मैंने सेकंड बैटरी मंगाई थी बैकअप के लिए अमेज़ॉन से, बैटरी बैकअप बस ठीक ठाक है। मतलब अगर DJI की बैटरी 100% है तो वो उसके आगे 30% है, सिर्फ 30%। तो जैसे ही मैं तो कहूँ, अगर आपके पास पैसे हैं, इतना बैकअप है, तो कंपनी की, सिर्फ कंपनी की ही चीज़ लो, क्योंकि कंपनी सही चीज़ देती है, क्योंकि वो अपने ब्रांड की वैल्यू होती है उनकी, कम सस्ते पैसों के चक्कर में आपको पता ही है, पैसे कम होंगे, थोड़ी बहुत चीज़ें भी कम होंगी, क्वालिटी भी कम होगी। और मैंने माइक भी नहीं मंगाया अभी तक, बिना माइक के अच्छा काम चल रहा है, जितने भी मोटो व्लॉग बन रहे हैं बिना माइक के बन रहे हैं, क्योंकि इसमें DJI के अंदर इतनी बढ़िया क्वालिटी है, ह्यूमन वॉइस बहुत अच्छे से पकड़ता है, ये चीज़ सबसे बढ़िया है इसके अंदर। अभी मैं निकल रहा हूँ, मतलब अभी मैं घर से निकल रहा हूँ, लेकिन आज मोटो व्लॉग नहीं बना पाऊँगा क्योंकि सिर में दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा। तो वो वाला हेलमेट ये रखा मेरा, तो वजह से मैं ये हेलमेट पहन के नहीं जाऊँगा, तो मैं दूसरा हेलमेट पहन के जा रहा हूँ, ये वाला कि जहाँ जहाँ जाऊँगा वहाँ वहाँ मैं बता दूँगा कहाँ कहाँ जा रहा हूँ। और बस से मैं तो दो रहा है बहुत तेज,
चलो निकलता हूँ फिर। तो फ्रेंड्स अभी हो चुकी है शाम और शाम के बच्चों के 6 और एक अभी मैं ऑन रोड हूँ और बढ़िया सी जगह मैंने स्ट्रीट लाइट देखी तो रुक गया, वरना शायद ही शायद कुछ नज़र ही नहीं आता। मेरा फेस भी इसलिए सही से नज़र आ रहा है। तो घर से निकल गया था, फिर काम में लग गया, काम में लग गया, उसके बाद कुछ टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं ब्लॉग भी बनाऊँ, और हेलमेट लेकर आया ही नहीं था कि मैं मोटो ब्लॉग भी बनाया था, लेकिन कल लेकर आऊँगा। अभी थोड़ा सा सही फील कर रहा हूँ, सिर का दर्द ख़त्म हो चुका है। और देखो फिर, अब ये ब्लॉग में तो इतना सही था, मतलब लिटरली सही बता रहा हूँ मैं। मतलब जब मेरे को गुस्सा आता है ना बहुत ज़्यादा, और जब मेरा दिमाग ख़राब होता है, तो मेरा मन करता है सिर्फ खाना खाने का, और बहुत सारा खाना खाने का। अब औरों का क्या मन करता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन बस सबका अपना अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन फिर भी जो भी है, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। बाकी 2021 यूँ ही ख़त्म होने वाला है, बस कुछ ही दिन बाकी हैं, और 2020 से तो ऐसी जिंदगी झंड चल रही है। बाकी 2022 आने वाला है, 21 भी पूरा झंडी हुआ है हमारा, अब 22 में पता नहीं और कितना झंड होना बाकी है। देखो कितनी ज़िंदगी झंड भरी रहेगी 2022 में, देखेंगे। चलो फ़िलहाल ये व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो मेरे यूट्यूब चैनल को, और हमेशा अपना प्यार बढ़ाते रहो यार प्लीज़, क्योंकि हर रोज़ तो गैदरिंग वाला व्लॉग तो हर रोज़ नहीं डाल सकता, क्योंकि इधर उधर काम रहता है मुझे भी, सबको भी। तो बाकी आप सपोर्ट दिखाओ थोड़ा बहुत, तो घूमें फिरें, नाचें गाएं, ट्रैवलिंग करें, बहुत कुछ कर सकते हैं यार हम, बहुत कुछ। बस खुश रहो, जो भी है खुश रहो, मैं भी खुश रहने की कोशिश करता हूँ, और किसी भी नेगेटिविटी में पड़ो ही मत, किसी की भी बंदे की बात सुनो ही मत। जो बंदा नेगेटिविटी, आपको लग रहा है कि नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं वहाँ से, मत सुनो, और बस खुश रहो, खुश रहो बस।